आज हम बात करेंगे ख्वातीन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किन प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कहते हैं हर्सुटिज्म, यानी कि ख्वातीन के चेहरे पे गैर जरूरी बालों का उग आना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के राइट पे रेड बटन है, उसको प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। My name is Dr. Kamal Kakar and I am a skin specialist. उसके साथ साथ मैं एक aesthetic consultant भी हूँ। आज हम बात करेंगे ख्वातीन के एक बहुत ही कॉमन मसला, चेहरे पे जिनको गैर जरूरी बाल हो जाते हैं उसके बारे में, और उनको कैसे रिमूव किया जाए, मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चेहरे पे ये गैर जरूरी बाल ख्वातीन को क्यों हो जाते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ख़ास तौर से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मसला हो जाता है और इसको हिरसुटिज्म कहते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या हैं? कुछ तो जी कन्वेंशनल मेथड्स हैं जो कि ज़्यादा ख्वातीन इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि शेविंग एंड वैक्सिंग। उसके लेकिन नुकसानात हैं, जैसे क्या होता है कि आपने आज वैक्स किया या शेव किया, हफ्ता दर्जन बाद बाल दोबारा आ जाते हैं, तो जल्दी बाल आ जाते हैं और आपको ये रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली ये करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जेल्स को, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है, आपकी स्किन मैकेनिकल ट्रॉमा का शिकार होती है, और जिसकी वजह से उसकी रंगत भी काली होना शुरू हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर होना शुरू हो जाता है। फिर आजकल क्योंकि जदीद दौर है और टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, तो कुछ पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि लेज़र्स और इंटेंस पल्स लाइट हैं। इंटेंस पल्स लाइट को आमतौर पे हम लोग IPL कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स हैं, डिपेंड करता है कि उनकी क्या वेवलेंथ है। वेवलेंथ डिसाइड करती है कि एनर्जी कितना डीप जाएगी स्किन लेयर में। तो मुख्तलिफ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एलेक्जेंड्राइट है, डायोड लेज़र है, एंड एंडीएग है। इसी तरह इंटेंस पल्स लाइट है, उसका भी ये जो भी एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, लेज़र्स एंड लाइट्स, इनकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और स्किन की जो लेयर है जहाँ पे आपका हेयर फॉलिकल होता है, ये उसके जो कि जिसको आम जबान में आप मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि जो रूट होता है हेयर का, ये उस वो ये इनकी हीट एनर्जी उस रूट को, उस बल्ब रीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से अगर तो वो फॉलिकल, हेयर फॉलिकल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहाँ पे बाल नहीं आता, लेकिन अगर इनकम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है तो बाल आएगा, मगर वो पहले वाले बाल से फाइन होगा, थिन होगा और लाइट कलर्ड होगा, यानी कि रुएं जैसा होगा, जो कि आपको इतना बॉदर नहीं करता। मुख्तलिफ सेशंस लेने पड़ते हैं इसके लिए, दैट डिपेंड्स कि बालों का कलर कैसा है, डेंसिटी क्या है, कितना वो थिक है। जितना डार्क कलर होता है, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्किन। लाइटर स्किन और डार्कर हेयर, ये बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं इन लेज़र्स और लाइट से, बट जो डार्कर स्किन टाइप्स होती हैं और जिनके अंदर हेयर है वो लाइट है, या जो डार्क स्किन जो टाइप्स होती हैं उनके ऊपर ये लेस इफ़ेक्टिव हैं, बट डायोड लेज़र इज़ सूटेबल फॉर सच स्किन टाइप्स। लेज़र्स या लाइट ट्रीटमेंट लेने से एडवांटेज क्या होता है? एक तो ये कि आपको ये इतना फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करना पड़ता, जैसे कि आपको शेविंग या वैक्सिंग में होता है कि जी हफ्ता दर्जन हुए नहीं है कि बाल दोबारा आ गए, जबकि आप जब लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बाल 4 से 6 हफ्ते के बाद ग्रो करते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट सेशन लेना पड़ता है। मल्टीपल सेशंस लेने के बाद, जैसे कि कुछ लोगों में 3 सेशंस में ही फ़र्क आ जाता है, जबकि कुछ लोगों को 8 सेशंस तक की भी नीड होती है, तो ये बाल ख़त्म हो जाते हैं और बहुत बहुत ही लंबे अरसे के बाद आएंगे, जैसे कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद, मे बी साल में एक दफ़ा। तो मेंटेनेंस करनी पड़ती है अकॉर्डिंगली। अगर आप मेंटेनेंस करते रहेंगे तो एक वक्त आता है बाल आपके ख़त्म ही हो जाते हैं या बिल्कुल ही फाइन हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इससे, ये ट्रीटमेंट्स लेने से आपकी स्किन को भी ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा,
अगर तो आप सेफ हैंड्स में हैं. ये लेज़र्स और लाइट ट्रीटमेंट जो है इजीली अवेलेबल हैं कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में और बहुत ही पॉपुलर हैं. बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ें और आप इन ट्रीटमेंट्स पे जाएं ताकि आपकी आपका आपको जो है वो ये बार बार का टॉर्चर ना सहना पड़े. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ हेयर रिमूवल. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर स्किन.